बनाने जा रहे हैं इस पास्ते से बहुत ही अच्छी नमकीन, जिसे आप महीने भर तक स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल हम इस तरह का पास्ता खाते हैं और उससे बोर भी हो जाते हैं एक ही तरह का खाते खाते। तो आज मैंने दिया है पास्ते को नया ट्विस्ट। तो उसके लिए अब इसके लिए लिया है मैंने लगभग 1 लीटर पानी और इसे उबाल लिया है अच्छे से। और अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच नमक, नमक थोड़ा ज़्यादा डालें इसमें, और 1 चम्मच ऑयल, जिससे कि हमारा ये पास्ता चिपके ना। उबलते हुए पानी में हम अपना ये पास्ता डाल देंगे और ध्यान रखें इसे हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, बस 5 से 6 मिनट। और 5 मिनट के बाद हम एक बार निकाल के चेक कर लेंगे, अगर हमारा पास्ता टूट रहा है तो इसका मतलब अच्छे से उबल गया है। और इसकी फ्लेम अब हम मीडियम कर देंगे, जिससे कि हमारा पास्ता अच्छे से उबल जाए। अब ये देखिए हमारा जो पास्ता है वो अच्छे से उबल गया है जितना हमें चाहिए। ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ, तो थोड़ा गर्म है तो छूने में दिक्कत हो रही है, पर ये देखिए टूट रहा है। इससे ज़्यादा हमें नहीं गलाना है, लगभग हमने 80% पास्ता गला लिया है इसे। अब हम इसे छान लेते हैं। अब हम एक छलनी रख लेते हैं एक बर्तन में और इसे छान लेते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे ठंडा पानी, जिससे कि इसकी जो कुकिंग है वो रुक जाए और ये ठंडा हो जाए। ये देखिए इस तरह का ये हमारा पास्ता तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट में इसको थोड़ा सा फैला देते हैं जिससे ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। उसके आगे शुरू करेंगे आगे की वो रेसिपी। अब ये देखिए ये ठंडा भी हो चुका है हमारा पास्ता। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर इस तरह से। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसकी जगह चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। अब 2 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी मैदा। और इसमें थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच मिक्स स्पाइस, जो पिज्जा वगैरह में हम डालते हैं। और अब हम इसे हाथ की मदद से ना इस तरह से मिक्स कर लेते हैं पूरा, जिससे कि थोड़ी हल्की हल्की कोटिंग इसके अंदर हो, इसके ऊपर हो जाए, ज़्यादा हमें नहीं। और इसमें पानी हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बस ऐसे सूखा हमें इसके ऊपर ये डस्ट करना है। अब मैंने ऑयल गरम होने रख दिया था और ये अच्छे से गरम कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ये पास्ता डाल देते हैं अलग अलग करके, और इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है, जैसे हम वो करते हैं ना फ्रेंच फ्राइज वगैरह करते हैं अच्छे से फ्राई। अब थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अब ये देखिए कितने अच्छे से हमारे ये, इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेते हैं। आदमी अब ये देखिए फ्राई हो गए हैं सब। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है, थोड़ा सा बहुत जरा सा लाल मिर्च, 1/2 चम्मच काला नमक, और 1/2 चम्मच इसमें मैं डालूंगी अमचूर पाउडर। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब इन सबको हल्के हाथ से हम मिक्स कर देंगे इस तरह से। और मैं अभी आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी, बहुत ही करारा नाश्ता ये बन के तैयार होता है। अब ये देखिए सब मसाला मिक्स हो गया है, और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने अच्छे ये देखो अब आपको आवाज़ से लग रहा होगा, और ये देखिए कितना अच्छा करारा है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अब हमारी पास्ता कुरकुरे बनके तैयार है। एक बार बनाइए आप महीनों तक इसे आप यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नई और मज़ेदार चटपटी रेसिपी के साथ।